विस्तार से बताइए क्या है पूरा मामला। सर ये उड़ीसा और बिहार से करीब 40 बच्चों को मानव तस्करी के नाम से गिरफ्तार किया है, चार आरोपियों को, जिसमें दो आरोपी मौके से फरार हो गए पर दो आरोपी गिरफ्तार किए गए पुलिस राजनांदगांव पुलिस के द्वारा। ये घटनाक्रम ये करीब 2:30 बजे के आसपास का है, जब यहाँ रायपुर से दो महिला वकील राजनांदगांव के लिए ट्रेन से सवार थी, तो वहाँ पर करीब 40 बच्चे थे और 40 बच्चों को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में देखकर इनके मन में कुछ शंका जग जागी और उन्होंने संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करी तो उसने बताया कि मैं इनको उर्दू पढ़ाने मुंबई ले जा रहा हूँ। और बच्चों से जब इसके बारे में पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं क्या है, तो बच्चों ने कहाँ लेके जाया जा रहा है वो अधिव्यक्तता जाहिर करी और संबंधित व्यक्ति से जब दस्तावेज की मांग की गई तो वो दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किया, तो महिला वकीलों ने ये मामला संदिग्ध समझते हुए रिटायर्ड डीजी साहब से शिकायत करी और डीजी साहब ने शायद तत्काल प्रभाव से वहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया था और संबंधित ट्रेन में सवार दोनों चारों आरोपियों को पकड़ने और बच्चों को स्टेशन पे उतारने का आदेश किया और बच्चों को जब आदेश किया तो जब हमने एडिशनल एसपी साहब से बात करी तो एडिशनल एसपी साहब का कहना है कि ये मामला लंबे समय से चल रहा था पर ये पहली ऐसी सफलता हाथ लगी है कि आरोपी अपने ले जाए जा रहे बच्चों को भी साथ में पहली बार शायद छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार हुए। और छत्तीसगढ़ का मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, छत्तीसगढ़ में ऐसे अभी तक 4,942 बच्चे लापता हैं जिनके लिए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देशित भी किया है कि आप तत्काल प्रभाव से इन बच्चों को खोज कर उन संबंधित माता पिता तक पहुंचाए, लेकिन अभी तक ये घटना नहीं है और ये उड़ीसा और बिहार के बच्चे हैं। अब ये जानकारी में पुख्ता प्रमाण ये मिलेगा कि ये बच्चे क्या बिहार उड़ीसा के हैं कि हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ के आसपास के गांव के नागरिक। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठी और उसमें S5 बोल रही है, चूँकि मेरा रिजर्वेशन नहीं था तो मैं थोड़ा और मैं जैसे वहाँ पर बैठी तो मेरे बर्थ के सामने ही तीनों सीट्स पे कम से कम 10-15 बच्चे बैठे थे, तो मुझे थोड़ा डाउट लगा कि इतने सारे बच्चे वो भी 10 साल से कम उम्र के बच्चे थे तो क्यों बैठे, तो मुझे उत्सुकता लगी तो मैंने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार से आ रहे हैं और मुंबई जा रहे हैं, तो मैंने कहा मुंबई किस लिए, तो बोले उर्दू पढ़ने के लिए, मैंने सबका नाम पूछा तो सभी लोग मुझे सभी बच्चे उर्दू मतलब मुस्लिम लगे मेरे को और सारे ही मुस्लिम थे, तो मैंने किसके साथ आ रहे हो, तो मैंने और भी लोगों से पूछा भैया ये लोग लेके जा रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं बोले तो पब्लिक थोड़ा हमारे समाज में लोग डरते हैं इस एक्शन लेने वाले, तो मैंने कहा नहीं क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, मेरा रोज का ही काम है कोर्ट में केस लड़ना और मामलों को मैं सुनवाती रहती हूँ, तो मैंने कहा कौन लेके आया आपको, तो देखा तो कोई 22 से 25 साल का लड़का था, तो उसको मैंने पूछा भैया कहाँ से लेके आ रहे हो बच्चों को, तो वो बोला कि बिहार के हैं सारे, तो मैंने कहा इनके पेरेंट्स नहीं है, तो बोले कि नहीं इनके पेरेंट्स ने हमको लेटर दिया, मेरे कोई अथेंटिक लेटर है आपके पास, तो उसके पास कोई अथेंटिक लेटर नहीं था, तो मैंने कहा आप क्या हो, तो बोला मैं टीचर हूँ, तो मैंने कहा देखिए जैसे मैं एडवोकेट हूँ, मेरा आइडेंटिटी कार्ड है आपके आइडेंटिटी कार्ड होगा, तो बोला नहीं, तो मैंने कहा फिर आप कैसे टीचर हो, कैसे ले जा रहे हो, क्या क्यों ले जा रहे हो, तो बोले इनको उर्दू पढ़ाने ले जा रहे हैं, मैंने कहा उर्दू पढ़ाने से सिर्फ बच्चों का भविष्य बन जाएगा, आपको क्या लगता है मैडम आपको क्या रहे थे किस ले जा रहे थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऐसा कुछ, मेरे को तो सर आतंकवाद से रिलेटेड लगता है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों को मुस्लिम लोग कौम के ही अधिकांश लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए और ऐसे ही बच्चों पे लोग टारगेट बनाते हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनको खाने के लिए पीने और माँ बाप ऐसे बच्चों को भेज देते हैं, क्यों इतने बच्चों को भेजना, अगर आप एजुकेशन में सूचना मिली थी कि हावड़ा मुंबई मेल में कुछ बच्चों को मानव तस्करी के उद्देश्य से ले जाने की आशंका है, इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली लालबाग बसंतपुर GRPO और RPF की मदद से ट्रेन को चेक किया गया, ट्रेन के कोच नंबर S5 में
बैठे हुए 35 अवयस्क बच्चे मिले, जिन्हें इन बच्चों को एक साविर अली नाम का आदमी, अपने आप को जो मदरसे का शिक्षक बता रहा था, तिरपैती भागलपुर बिहार का, उसने ये बताया कि इन बच्चों को मैं ले करके बुलडाना जा रहा था, लेकिन इन बच्चों को ले जाने के संबंध में उनके अभिभावकों को कोई अथॉरिटी उसके पास नहीं थी, इसलिए इस आशंका में कि कहीं मानव तस्करी की संभावना न हो, इनको उतारा गया है। बाल कल्याण समिति के सामने इन बच्चों को पेश किया जाएगा। बाल कल्याण समिति के समक्ष जो बयान में तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। जाकिर हुसैन से डिटेल में पूछताछ पुलिस कर रही है।